समय बेहद ही दुखद और शॉकिंग न्यूज इंडस्ट्री से सुनने में आई है। जानी मानी टीवी और फिल्म एक्ट्रेस सुरेखा सीकरी अब इस दुनिया में नहीं रही। सुरेखा सीकरी ने फिल्म बधाई हो और बालिका वधू जैसे कई हिट शोज और फिल्मों में यादगार रोल निभाए हैं। आपको बता दें कि सुरेखा सीकरी का 75 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके मैनेजर ने बताया है कि उनका निधन हार्ट अटैक से हुआ है और वो लंबे समय से बीमार थी। 2018 में वो लकवे का शिकार हुई थी और 2020 को उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। निधन के बाद उनके मैनेजर ने बयान जारी करते हुए बताया, हार्ट अटैक आने से आज सुबह सुरेखा सीकरी का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। दूसरी बार ब्रेन स्ट्रोक की वजह से वो बीमार चल रही थी। अपने आखिरी वक्त में सुरेखा सीकरी अपने परिवार के साथ थी। उनका परिवार दुख की इस घड़ी में अपने लिए प्राइवेसी चाहता है। ओम साई राम। आपको बता दें कि सुरेखा जी की निधन की खबर से टीवी और फिल्म इंडस्ट्री भी शॉक रह गई है और सोशल मीडिया पर स्टार्स ने इस दिग्गज एक्ट्रेस को अपनी श्रद्धांजलि दी। रणदीप हुड्डा, रेस्ट इन पीस सुरेखा सीकरी जी। कृतिका कामरा, सुरेखा सीकरी व्हाट अ पावर हाउस, रेस्ट इन पीस मैम। मनोज बाजपाई, वेरी सैड न्यूज, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टैलेंट सुरेखा सीकरी जी पास्ड अवे, लीविंग बिहाइंड सो मेनी ग्रेट परफॉर्मेंसेज इन थिएटर एंड सिनेमा। शी वॉज अ ट्रीट टू वॉच ऑन स्टेज, कांट फॉरगेट सम ऑफ दोज मेमोरीज ऑफ हर एक्ट इन थिएटर, ग्रेट क्राफ्ट एंड अ ग्रेसफुल पर्सन, रेस्ट इन पीस। रवि किशन, दुखद खबर, अभिनय की महान प्रतिभाओं में से एक सुरेखा सीकरी जी का निधन थिएटर और सिनेमा में कई बेहतरीन प्रदर्शनों को पीछे छोड़ते हुए हुआ। उनकी अभिनय की कुछ यादों को कभी नहीं भुलाया जा सकता। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें एवं परिवार जनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। पूजा भट्ट, शी वॉज अ फोर्स ऑफ नेचर इफ एवर देयर वॉज वन, हेंस आई वोंट से रेस्ट इन पीस बट रेज इन पीस सुरेखा जी, एज यू डिड ड्यूरिंग योर टाइम ऑन अर्थ। आपको बता दें कि सुरेखा सीकरी को 3 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है। उन्हें फिल्म तमस 1988, ममू 1995 और बधाई हो साल 2018 के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड दिया गया था। आखिरी बार सुरेखा सीकरी फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म गोस्ट स्टोरीज में नजर आई थी। उत्तर प्रदेश में जन्मी सुरेखा जी ने अपने बचपन अल्मोड़ा और नैनीताल में बिताया। सुरेखा ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया। सुरेखा जी को 1989 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। फैमिली की बात करें तो सुरेखा सीकरी के पिता एयरफोर्स में थे और उनकी मां टीचर थी। उनकी शादी हेमंत रेज से हुई थी जिससे उनका एक बेटा राहुल सीकरी है और राहुल सीकरी मुंबई में है जो एक आर्टिस्ट है। वहीं एक्टर नसरुद्दीन शाह रिश्ते में सुरेखा सीकरी के बहनोई यानी ब्रदर इन लॉ लगते हैं। सुरेखा की बहन मनारा सीकरी से नसरुद्दीन शाह ने पहली शादी की थी। उनके फिल्मी करियर की बात करें तो ज्यादातर फेम सुरेखा सीकरी को दादी के किरदारों में मिला। बालिका वधू में सुरेखा सीकरी ने दादी सा कल्याणी देवी धर्मवीर सिंह का किरदार निभाया जिसमें उन्हें खूब पसंद किया गया। ये सीरियल साल 2008 से साल 2016 तक ऑन एयर रहा। इसके अलावा परदेश में है मेरा दिल, सीआईडी, सात फेरे, बनेगी अपनी बात जैसे कई सीरियल्स में उन्हें दादी के यादगार रोल्स किए। वहीं फिल्मों में उन्होंने किस्सा कुर्सी का से 1978 में डेब्यू किया। इसके बाद वो तमस, लिटिल बुद्धा, ममो, नसीम, सरफरोश, दिल्लगी, जुबैदा, तुम सा नहीं देखा, देवडी, हमको दीवाना कर गए और बधाई हो जैसी बहुत सारी फिल्मों में नजर आई। हमारी तरफ से सुरेखा सीकरी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।